72। ओके देखिए अब हम क्या करेंगे, ये थोड़ा सा हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए कल एसजीएक्स निफ्टी खुलेगा हमारा 10,300 के पास में। एसजीएक्स निफ्टी 10,300 चल रहा है तो हमारा निफ्टी भी उसके आसपास खुल सकता है। अगर रात में नीचे नहीं आया डाओ तो उस केस में ऊपर खुल सकता है, अगर नीचे आ गया डाओ तो उस केस में हमारा नीचे ओपन हो सकता है। लेकिन डेटा शॉर्ट करने का नहीं दिखा रहा है, लेकिन बाय करने के लिए भी मैं इतना एकदम नहीं बोलूंगा कि 10,300 इतने ऊपर अगर ओपन हो तो हम बाय करके काम करें। हम क्या करेंगे, एक शॉर्ट का ट्रेड लेंगे कल। देखिए आप सोच रहे होंगे कि पूरा तो मार्केट सब जगह का लॉन्ग दिखा रहा है, सब जगह का बाय दिखा रहा है, फिर हम शॉर्ट का ट्रेड क्यों ले रहे हैं। यही आप सोच रहे होंगे कि हम शॉर्ट का ट्रेड क्यों ले रहे हैं। तो शॉर्ट का ट्रेड लेने का कारण है कि 10,300 में अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड में, पुट साइड में उतना ओपन इंटरेस्ट नहीं है, वहां पर राइटिंग भी बहुत ज्यादा नहीं है 10,300 में। तो हम थोड़ा सा एक रिस्क लेके काम करेंगे कल के लिए, छोटा रिस्क, बहुत ही छोटा रिस्क रहेगा और उस हिसाब से हम ट्रेड लेंगे। अब जरूरी नहीं है, एक बात और ध्यान देना, आप जो भी काम करते हैं अपने एडवाइजर राय लेके करिएगा। एजुकेशन पर्पस के हिसाब से हम वीडियो बनाते हैं, जैसे कि आप जानते हैं, हम केवल अपनी बात करते हैं, हम इस तरह से काम करेंगे, आप हमेशा अपने एडवाइजर राय लेके काम करिएगा। ओके तो कल के लिए हम क्या करेंगे, 10,300 के आसपास अगर हमें मिलेगा और उम्मीद ऐसी लगती है अगर डाओ इस तरह से 800 पॉइंट ऊपर रहा तो 10,300 हमें सुबह मिल सकता है, इसके आसपास मिलेगा तो हम करेंगे सेल, शॉर्ट करेंगे पोजीशन। शॉर्ट करने के बाद देखिए हम सेल करेंगे, मीन शॉर्ट करेंगे 10,300 के पास में। उसके बाद जो स्टॉप लॉस रहेगा हमारा, देखिए बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस है 10,337, ये स्टॉप लॉस है, ये बात ध्यान दीजिएगा 10,337 ये हमारा क्या रहेगा SL कल के लिए 10,337। तो बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस लेके हम काम करेंगे। अब बात आती है टारगेट की, तो टारगेट भी हम देखिए बहुत बड़ा टारगेट नहीं लेंगे, टारगेट जो रहेगा हमारा वो भी बहुत छोटा सा रहेगा। वो टारगेट क्या रहेगा, 250 से 230 तक का, इस रेंज का टारगेट रहेगा 10,250 के आसपास का टारगेट है। तो एक छोटा सा ट्रेड लेने की हम कोशिश करेंगे और ये जो है हमें सुबह ही करके अपना पोजीशन से एग्जिट लेना पड़ेगा जल्दी से जल्दी। मीन समझे, सपोज हमने अपना पोजीशन लिया सुबह 9:16-17 के आसपास, हम ट्रेड अगर अपना लेते हैं 9:16 के आसपास, तो हम अपने जो ट्रेड है उसे मैक्स टू मैक्स 9:40 से पहले पहले, 9:45 से पहले पहले स्क्वायर ऑफ करने की कोशिश करेंगे। हमें जो भी पॉइंट, जितने भी पॉइंट मिलेंगे इस बीच में हम एग्जिट करने की कोशिश करेंगे। सिंपल एकदम कल का ट्रेड है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करने का बेल आइकन पर क्लिक कर लेना जिससे लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। और जो भी पुराने लोग हमारे फैमिली के, रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दिया करिए, लाइक कर दिया करिए। देखिए लाइक करने से क्या होता है, हमारा जो वीडियो रहता है वो यूट्यूब में थोड़ा सा ऊपर की तरफ दिखने लगता है। अगर कोई सर्च करता है निफ्टी एनालिसिस तो हमारा वीडियो दिखने लगेगा, अगर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक रहेंगे हमारे वीडियो में तो इसलिए हम आपसे कोशिश करते हैं, यही कहते हैं कि लाइक कर दिया करिए वीडियो को। देखिए बहुत लोग बेनिफिट लेते हैं हमारे को, व्हाट्सएप पे तो मैसेज बहुत से लोग करते हैं कि हमारे को आज इतना हमने अर्न करा, इतना अर्न करा, ये स्ट्रेटजी बनाई थी, ये करा था। लेकिन थोड़ा सा हमारे भी एक लाइक कर दिया करिए अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। ओके वीडियो अच्छा लगा हो तो धन्यवाद।